इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज 17 रमजान, इस्लाम की अजीम जंग आज ही के दिन हुई थी। जंग बद्र हिजरत के 2 साल बाद रमजान में इस्लाम का सबसे बड़ा मार्का पेश आया। वैसे कुरैश के लोगों के साथ छोटी मोटी झड़पें हुआ करती थी, पर बद्र का मार्का सबसे बड़े मार्के के तौर पर देखा जाता है। मुख्तसर इसका पस मंजर यूं है, मुशरिकों का सरदार अबू सुफियान रमजान के शुरुआत में बड़े तिजारती काफिले के साथ शाम से मक्का पलट रहा था। काफिले में 50 तीरंदाजों पर मुश्तमिल मुहाफिज दस्ता भी तैनात किया हुआ था। यह सूरत हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने के लिए एक खतरा महसूस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिफाई हिकमत अमली के तहत इसे निमटने की तैयारी शुरू की। मक्का वालों को इस तैयारी की इत्तला मिली तो उन्होंने अबू सुफियान की मदद के बहाने मदीने पर हमले का ऐलान किया और अबू जहल की कयादत में 1000 का लश्कर मदीने की तरफ पेशकदमी करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला हासिल हुई तो 313 का इस्लामी मुजाहिदीन का लश्कर भी मक्का से मदीना की तरफ निकल पड़ा। इन मुजाहिदीन में हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत जुबैर, हजरत अम्मार यासीर और हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीमार अहलिया की तीमारदारी के लिए मदीना में ही रुके रहे, लिहाजा इस जंग में वो शरीक न हो सके। हजरत सलमान फारसी भी इस जंग में शरीक न हुए क्योंकि वो अब भी गुलाम थे। मुसलमानों के मुख्तसर फौज के पास 70 ऊंट और 2 घोड़े थे, 6 ज़रह और 8 तलवारें थी। दुश्मन इस्लाम का लश्कर साजो सामान से लैस था। इधर अबू सुफियान एक और गैर मारूफ रास्ते से मक्का पहुंच गया और ये दोनों लश्कर बद्र के मकाम पर भिड़ गए। कहने का मतलब जंग का पस मंजर इस तरह था। अब इस जंग की रूह क्या थी और आखिर मुसलमान कम तादाद में होकर भी कैसे जीते? अल्लामा इकबाल कहते हैं, गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर मुकम्मल तवक्कल रखकर मैदान में उतरता है तो उसके हाथ ही उसके तलवार बन जाते हैं। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। बद्र का मैदान कयामत तक के मुसलमानों को बहादुरी का सबक देता है। ये और बात है कि आज मस्जिदों की 4 दीवारी में भी बद्र का तस्करा नहीं होता। ज़हनी तौर पर इतना गुलाम हो गए कि बुजदिले खौफ दुश्मन का रोब हम पर इतना हुआ है कि हम कुरान की जंगी आयतों का तक तस्करा करना नहीं चाहते। अपनी बुजदिली को हिकमत के लिबादे में ओढ़ कर झूठी बहादुरी, झूठी मुसलमानियत का मुजारा करना चाहते, पर अल्लाह सब कुछ देख रहा है और अल्लाह को बुजदिल कौम की जरूरत नहीं है। भले हुकूमत पर कितना ही बड़ा ताकतवर बादशाह बैठा हो पर जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कहना रहा होना चाहिए, वरना बद्र का मैदान क्या पैगाम दे रहा है? उम्मत मुस्लिमा को मक्का में अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा बड़े बड़े काफिर थे, दिन रात तकलीफ देते थे। अब हिजरत करके नबी रहमत मदीना आए तो क्या आराम करने के लिए आए थे? आराम करने के लिए नहीं आए थे। महज हिजरत के 2 साल ही गुजरे थे कि जंगे बद्र वाकई हुई। मदीना की कैफियत अलग थी। यह दुश्मन 1000 का लश्कर साजो सामान के साथ लैस था, 100 घोड़े, 700 ऊंट, पूरी तरह जंगी हथियार और इस तरफ महज 6 ज़रह 8 तलवारें, कोई जंगी साजो सामान नहीं, पर इस तरफ ईमान था, अल्लाह की जात थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कमांडर इन चीफ था। आपको यह भी बताता चलूं कि अल्लाह के रसूल से बढ़कर इस दुनिया में कोई बहादुर शख्स पैदा नहीं हुआ। शेर खुदा हजरत अली खुद फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर जंगजू बहादुर शख्स को नहीं देखा। जब हम जंगलों में जाया करते थे तो इनकी आड़ लिया करते थे और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहादुर कर्नल की तरह सामने खड़ा हुआ करते थे। कहने का मतलब किस कदर बहादुर नबी थे, इसलिए अल्लाह के रसूल को जंगों वाला नबी कहा जाता है। पर अफसोस के महज हमें अजर व सवाब के हिसाब किताब में इस उम्मत को उलझा कर रख दिया गया। तभी तो चारों तरफ जिल्लत की जिंदगी मुसलमान गुजार रहे हैं। जब तक मुसलमान घोड़ों की पीठ पर सवार हुआ करते थे, इस्लाम का परचम शान से हर मुल्क की सरहदों को रोंदता हुआ लहराता था, अब जब दुनिया की हिरस ने, दुनिया की मोहब्बत ने इस शानदार उम्मत को जिल्लत की कगार पर ला खड़ा कर दिया कि मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरा रिस्क मेरे नेजे के साए तले चलता है, जब तक मेरे नेजे, मेरी तलवारें चलती रहेंगी, मेरी उम्मत इज्जत का रिस्क पाती रहेंगी, और जब उम्मत में दुनिया की मोहब्बत आ गई जल खार होंगे जो आज हो रहे। नबी ने हमें विरासत में पैसा, दौलत, बादशाहत नहीं दी थी, बल्कि विरासत में तलवार दी थी। याद करो जब नबी करीम का आखिरी वक्त था
तब घर में चराग जलाने के लिए तेल नहीं हुआ करता था, पर मदीने की सबसे महंगी तलवारें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में थी, जबकि इस्लामी हुकूमत थी। कैसे सादगी और कैसी बहादुरी का आलम के जाते जाते तलवार छोड़ गए, पर इस बुजदिल कौम ने दुनिया हासिल करने के लिए ना हलाल देखा और ना आराम देखा। काफिरों की तरह घरों में पैसा, बंगला, गाड़ी, बच्चों को काफिराना तरबियत, अब कहां से अल्लाह की मदद आएगी? क्या बात है, वही अल्लाह, वही कुरान, वही दुनिया पर। अफसोस के बद्र के मैदान में खड़े होने के लिए जो जहन, जो ईमानी जज्बा होना चाहिए, कहीं नजर नहीं आ रहा। हर दौर में अबू जहल अबू लहब भेज बदल कर आते रहे, आज भी आ रहे हैं अबू जहल और अबू लहब। आप अगर अतराफ में नजर दौड़ाओगे तो आज भी इस मुल्क में भी अबू लहब और अबू जहल आए हुए, पर माशरे में खालिद बिन वलीद पैदा नहीं हो रहा, सुल्तान सलाउद्दीन पैदा नहीं हो रहा। जब कोई कौम अपने मौकूफ को छोड़कर दुनिया की हिर्स में लग जाती है तो उसका कटना लाजिम हो जाता है, जरूरत है। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों में पलट जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। आज भी अगर हम उन्हीं रास्तों पर चलने की कोशिश करें तो अल्लाह की मदद उसी तरह आ सकती है जैसे दिगर जंगों में मुसलमानों को अल्लाह के फजल से कामयाबी व कामरानी हासिल हुई। आज भी वक्त के सुपर पावर को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर सकते हैं। यह एक बार अफगानिस्तान से रूस के बाद अमेरिका को भाग जाने पर मजबूर होते देखा गया। आप अगर पूरी कौम का जायजा लेकर देखो और बद्र के मैदान में उन मुजाहिदीन के पैगाम को देखो, कैसे अल्लाह हमसे राजी हो सकता है? बताओ, तलवार नहीं, घोड़े नहीं, सामने हजारों का लश्कर, महज ईमान की ताकत, और उस ईमान की बदौलत हजूर की छड़ियों ने तलवार को काट के रख दिया। याद रखो, अल्लाह की मदद अगर उतरती है तो सिर्फ जंगे मैदान में उतरती है, क्योंकि शहादत का मर्तबा ही उतना बड़ा है। जब बंदा अल्लाह की राह में शहीद होता है तो इसके गुस्ल के लिए फरिश्तों में मुकाबला होता है, जनाजे में आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं, और यह तमाम इसलिए क्योंकि ये जो जान है वो अल्लाह की है और हमारी जानों का सौदा जन्नत के बदले हो चुका है। तो दुनिया की जिंदगी महज इम्तिहान है, यहाँ चंद अख्तियार के साथ तुम्हें भेजा गया है। चंद अख्तियार को अपनी होशियारी, अपनी अकलमंदी, अपनी कामयाबी समझने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह मुझे बहुत कुछ देता है तो मैं बहुत कुछ करता हूँ वगैरह बोलने वाले आपने देखे होंगे। कुछ लोग अपनी नमाजों पर मुतमैन है, अल्लामा इकबाल ने कहा, दिल पाक नहीं तू पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इबलीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। जो जितना दिया है अल्लाह की राह में खर्च करना, आखिर में जान भी उसी की है। हमारा मामला अलग है, अपने लिए लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिजूल रस्म रिवाज, शादी ब्याह में, गलत तकरीबात में बेहिसाब रुपया खर्च किया जाता है, और अगर किसी दीनी या मजहबी कामों में 100-200 रुपए देकर इस्लाम पर एहसान करने की तरह हम समझने लगते हैं। याद रखो, जन्नत कोई शहर का गार्डन नहीं है जो चाहे ऐरा गैरा दाखिल हो सके, वरना अक्सर लोगों के जहन में है कि कितना भी गुनाह किया तो क्या हुआ, मुसलमान तो जन्नत में दाखिल तो है ही, सही है, पर जहन्नम के उन दहकते हुए आग की लपेटों से भी गुजरना पड़ेगा। खैर, जन्नत का रास्ता बद्र के मैदान से ही होकर गुजरता है। भले ही हम अपने इत्मीनान के लिए बहुत सारे रास्ते बना लिए हो, आज भी फरिश्ते आसमान से उतर सकते हैं, पर मैदान के गाजी कहां नजर नहीं आते। जिस तरह आज के दौर में महज कोरोना से खौफजदा इस उम्मत को देखते हैं तो कितनी दुनिया से मोहब्बत का अंदाजा ही हो जाता है। खैर, आज के इस मुकद्दस दिन यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। आज उम्मत पर हालात चारों तरफ से आ रहे हैं, अफसोस के वो 313 का लश्कर नजर नहीं आ रहा। बद्र के मैदान में माज और मुअव्वज दो बच्चों ने अबू जहल का कत्ल किया था, अब हमारे बच्चों को देखो हमने क्या बनाया। इस दौर के अबू जहल अबू लहब की हिम्मत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इमाम मुजाहिदीन के हिदायत को पसे पुष्ट डालकर इत्मीनान का इस्लाम चाहते हैं। जन्नत तलवारों के साये में है, मशक्कत जद्दोजहद के बाद ही किसी कौम का सितारा बुलंदी पर पहुंचता है। यकीनन इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा, पर हमारा और आपका क्या इसमें किरदार रहेगा, इसका एहतसाब करने की जरूरत है। बातिल से दबने वाले आसमान ही हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। कहने का मतलब, इनकलाबी सोच ही आजादी की राह को हमवार कर सकती है। गुलाम कौमों का जिंदा रहना और मरना कोई मायने नहीं रखता। लिहाजा आज जंग बद्र के मौके पर जरूरी है कि इमाम और मुजाहिदीन आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के उन इनकलाबी पहलुओं पर अमल करने की जरूरत है। इस्लाम की तारीख जंगों से भरपूर है और जब तक मुसलमान घोड़ों की पीठों पर बैठकर मैदानों में उतरते रहे, दुनिया में लोहा मनवा लिया गया। आज दुनिया के हर खत्ते पर नजर डालो, चीखती पुकारते आवाजें, लूटती असमतें, जलते मकान, बेबस मुसलमान। कहने का मतलब, एक बार फिर बदर का रास्ता इख्तियार करना होगा, तभी यह कौम इज्जत और वकार व मर्तबा हासिल कर सकती है, वरना जुल्म की दास्तानें हम पर यूं ही रकम होती रहेंगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।